वेलकम टू मैथ एक्सिस ICSE क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कि योर स्कूल बस ट्रांसपोर्टेड एन एक्सकर्शन पार्टी टू अ पिकनिक स्पॉट 150 किलोमीटर अवे व्हाइल रिटर्निंग इट वाज रनिंग एंड द बस हैड टू रिड्यूस इट्स स्पीड बाई 5 किलोमीटर पर आवर एंड इट टुक 1 आवर लॉन्गर टू मेक द रिटर्न ट्रिप फाइंड द टाइम टेकन टू रिटर्न. ठीक है, यानी कह रहा है कि एक स्कूल बस है जो कि बच्चों को पिकनिक पार्टी के लिए 150 किलोमीटर दूर ले जाता है. यानी कि डिस्टेंस कितना दिया गया है, तो डिस्टेंस आपका गिवन है 150 किलोमीटर. ठीक है, कह रहा है कि रिटर्न में जब वो पिकनिक से वापस आते हैं तो बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से स्कूल बस का जो स्पीड है 5 किलोमीटर रिड्यूस हो जाता है. तो यानी हम पहले लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ बस क्या ले लेते हैं स्टार्टिंग में, स्पीड ऑफ बस भी एक्स किलोमीटर पर आवर. तो ऑन रिटर्निंग स्पीड ऑफ बस क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस 5 किलोमीटर पर आवर. ऑन रिटर्निंग द स्पीड ऑफ बस इज एक्स माइनस 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो टाइम जो फर्स्ट केस में लगेगा, टाइम टेकन इन फर्स्ट केस वो क्या हो जाएगा, तो 150 किलोमीटर चला है कितने की स्पीड से, एक्स से, यानी कि 150 अपॉन एक्स. और टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी, तो रिटर्न में कितना हो जाएगा, तो 150 किलोमीटर चला है, स्पीड क्या है, तो एक्स माइनस 5. ठीक है, तो जो ये दोनों टाइम है, दोनों के बीच में गैप कितने का है, तो 1 आवर का है. कितने का है, 1 आवर. तो एज पर कंडीशन या फिर एज पर प्रॉब्लम 150 अपॉन एक्स माइनस फाइव इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1. ठीक है, तो जब इनको हम एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 5 ये हो जाएगा 150x माइनस 5 इक्वल्स टू 1. यानी कि 150x माइनस 150x प्लस 750 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 1. ठीक है, यानी कि जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जिनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 150x से प्लस 150x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो 750 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 1. 750 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 1. एंड जब इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 750, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा. क्या फॉर्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करके फाइंड करना है x की वैल्यू को. क्या फाइंड करना है, तो x की वैल्यू को फाइंड करना है इसी को सिंप्लीफाई करके. ठीक है, तो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 750 आए और जिनको प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 750 आए और जिनको प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए. ठीक है, वैसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 750 और प्लस या माइनस करने पे 5 आ जाए. तो 30 इंटू 25 अगर किया जाए तो 5 0 0 5 3 15 2 0 0 2 3 6 5 0 0 होता है. ठीक है, यानी जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप 30 25 का, तो क्या आएगा, 750 आ जाएगा. ठीक है, यानी कि हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0. इनमें हम कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 30, यहाँ कॉमन ले लेंगे 25, तो हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0.
यानी कि x प्लस 25 एंड x माइनस 30 इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि x माइनस 30 इक्वल्स टू ज़ीरो और x प्लस 25 इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड x इक्वल टू आ गया 30 किलोमीटर पर आवर या फिर x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 25। तो क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव होगा नहीं, स्पीड कभी निगेटिव होगा नहीं, यानी कि जो हमने लेट किया था, लेट द स्पीड ऑफ बस बी x, तो क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। और हमसे पूछ रखा है क्वेश्चन में कि टाइम टेकन टू रिटर्न, टाइम टेकन टू रिटर्न, तो सबसे पहले रिटर्न स्पीड क्या होगा, तो रिटर्न स्पीड क्या हो जाएगा, रिटर्न स्पीड क्या हो जाएगा आपका, तो 30 माइनस 5 यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम का फार्मूला, टाइम मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 6 आवर टाइम आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है कि बोट कैन कवर 10 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम इन 6 आवर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर, तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। ठीक है, इसमें दिया गया कि बोट कैन कवर 10 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम इन 6 आवर। ठीक है, तो हमें लेट करना है, सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ बोट बी एक्स। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कहने माती है, मानिए कि पानी है, ये वाटर ऐसे चल रहा है, तो अगर पानी का डायरेक्शन इधर फ्लो कर रहा है, यानी वाटर इधर फ्लो कर रहा है और हम बोट को लेकर इसी साइड जा रहे हैं, जिसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी कि स्ट्रीम के साथ जाना, स्ट्रीम के साथ जाना, उसमें क्या होता है कि जो स्ट्रीम का स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर आवर, वो आपके बोट के स्पीड में जुड़ जाएगा, बोट के स्पीड में क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1.5 एंड स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम में क्या होगा, तो अप स्ट्रीम में आपका स्पीड ये एक्स माइनस 1.5 किलोमीटर हो जाएगा पर आवर, माइनस हो जाएगा यानी कि। ठीक है, अप स्ट्रीम का मतलब है कि वाटर इधर फ्लो कर रहा है, तो बोट की डायरेक्शन किधर है, तो बोट इधर की तरफ जा रही है, तो जो ये स्पीड आपका 1.5 किलोमीटर है, वो स्पीड ऑफ वाटर का जो स्पीड है वो बोट के स्पीड में से माइनस हो जाएगा, यानी कि उतने के स्पीड से बोट कम चलेगी। ठीक है, अब दे रखा है कंडीशन क्या दिया है कि 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम है एंड 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है इन 6 आवर। ठीक है, यानी कि तो टाइम दे रखा है कितना, अप स्ट्रीम में दे रखा है, तो अब तो 10 अपॉन एक्स माइनस 1.5 और टाइम टेकन टू डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में 6 किलोमीटर चला, कितना चला है 5 किलोमीटर, सॉरी तो 5 अपॉन एक्स प्लस 1.5। ठीक है, अब दोनों ही केस में टोटल टाइम कितना लगा है, तो 6 आवर, यानी कि 10 अपॉन एक्स माइनस 1.5 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1.5 इक्वल टू क्या आना चाहिए, तो 6 आवर। ठीक है, जब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक्स 1.5 इंटू एक्स प्लस 1.5 यानी कि 10 इंटू एक्स प्लस 1.5 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1.5 इक्वल टू क्या होगा, तो 6 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 6। ठीक है, देन जब इनका हम मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू एक्स 10x प्लस 15 प्लस 5 इंटू एक्स 5x प्लस सॉरी माइनस 7.5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन जब इनको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 15x, 15 में से 7.5 को माइनस करेंगे, तो माइनस 7. प्लस 7.5 इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2.25। ठीक है,
अब क्या करा जाए, इनका आपस में अगेन इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो ये दे रखा है 15 + 7.5x, 15x + 7.5 = 6x² - 2.25। तो जब अगेन इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 15x। जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारा ये एक इक्वेशन फॉर्म हुआ है। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करके अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और देन उसको सिंप्लीफाई करके हमें फॉर्म कर लेना है अपना सॉल्यूशन। क्या पता करना है? तो अपना सॉल्यूशन पता करना है, ठीक है। देखिए, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये हमारा इक्वेशन बना था, यानी सब इसको हम आगे अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x + 7.5 = 6x² - जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12 और 3 = 15, 6 × 2 = 12 = 1 = 13, यानी 13.50, ठीक है। तो ये कुछ आपका इस टाइप का फॉर्म हो जाएगा। ये इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो आपके यहाँ तक हमने सॉल्व किया था, ठीक है। जब इनको स्टेप बाई स्टेप हमने सॉल्व किया तो हम यहाँ पे पहुँचे थे, यानी कि हमारा आखिरी स्टेप था ये इक्वेशन। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या फॉर्म हो रहा है, तो 15x + 7.5 = 6x² - 13.50, यानी कि 6x² - 15x - 13.50 - 7.5 = 0, यानी कि 6x² - 15x - 21 = 0, ठीक है। यानी हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, तो 21 × 6 यानी कि 126 आना चाहिए, और जिनको प्लस या माइनस करने पे 15 आ जाना चाहिए। तो 21 × 6 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 126 आएगा, और 21 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि 6x² - 21x + 6x - 21 = 0। इसमें हम क्या कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे, 3x, तो ये हो जाएगा 2x - 7। यहाँ कॉमन ले लेंगे हम दोबारा 3x, तो ये हो जाएगा 2x - 7 = 0, यानी कि 3x + 3 और 2x - 7 = 0, यानी कि 3x + 3 = 0 और 2x - 7 = 0। या फिर 2x - 7 = 0, ठीक है। यानी 3x = क्या हो जाएगा, तो 3 - 3 यानी x = हो जाएगा -3/3, x = आएगा -1, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी बॉट का स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है। तो हमारा क्या ये बचा, तो 2x - 7 = 0, तो 2x = क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा आपका 7/2, यानी कि x हो जाएगा 3.5, यानी कि स्पीड ऑफ द बोट जो हमने लेट एक्स किया था, कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा, 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। थैंक यू।